प्रस्तुतकर्ता बालाजी मधुकुंज #1 अगरबत्ती पावर्ड बाय कोनार्क गोल्ड टी। हे महेश्वर जदि आपण मते प्रसन्न चित्तरे ग्रहण करिसेंती ताहले एमिति किछि भी करिबेनी जहा द्वारा सामाजिक विधिर उल्लंघन हेबो। नमस्ते नमस्ते श्रीज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपयोगगम्य नमस्ते नमस्ते चमत्कार महाराणी एभले मूल्यवान अलंकार रे भरी जाइछे सब थाली। हे महेश्वर आपण मो मर्यादा रक्षा करिले आपणकर ए असीम करुणार आभास मो माता निश्चय पाइबे। थरुटिए विवाहर प्रस्तुति आरंभ हो जाऊ। जय 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 शिव जगदीश्वर महेश्वर जगत्पिता जगत्कर्ता भोलानाथ जोगेश्वर जगद्गुरु महारुद्र जगत्शक्ति महादेव जगत्प्राण त्रिलोचन हर 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 शिव। एई पथरे बड़ तोरण हब तोरण पाखरे मूर्ति स्थापन हम। पर्वत राज्य रे एते बड़ अनुष्ठान केबे हेइनी कौन सी त्रुटि जेपरी न हुए कार्यक्रम। आपण निश्चिंत रुहतु पर्वत राजकुमार महादेव और पर्वत राजकन्या बह राज्यर समस्त कारीगर प्राण दे सजासुजी करिवे। भ्राता सकल व्यवस्था तुमे एकाकी करुछ मु किछि सहायता तुमको करि परिबे कि? भगिनी वर्तमान तुम कार्य हैला विश्राम जेपरी असी त्याग करिछ सेहीपरी समस्त कार्य तुमे त्याग कर। भ्राता तुमे मोर विवाह पाई ए राज्य सजेइबारे व्यस्त ए समय जदि कोनोसी शत्रुपक्ष ए पर्वत राज्य आक्रमण करे विशेष करी तारकासुर से वर्तमान तुम ऊपर क्रुद्ध। पार्वती जो राज्यर जामाता स्वयं महादेव से राज्यर सुरक्षा को नहीं चिंता करुछ तुम्हें तुम्हें निश्चिंत रुह। पर्वत राज्य सुरक्षित ही रहिबो। असुर राज एवं आमे माने कौन करू आपण आदेश देले हिमालय राज्य उपरे दिव्यास्त्र प्रयोग करू आमे पर्वत राज्य विनष्ट हो जीव असुर राज देवगण महादेव विवाह यात्रा निश्चय योगदान करिवे से माने पर्वत राज्य को जीवे ओ चाहे विवाह दिन नहीं से मानक उपरे दिव्यास्त्र प्रयोग करने राज्य एवं देवगण एक समय विनष्ट हो शिव पार्वती विवाह बंद हो हठात सूर्यदेवों ऊपर कला मेघर छाया पड़ा कहीं क्यों विपद आसुची पर्वत राज्य उपर को बाहर प्राक समय रे सूर्यदेव कला मेघरे आच्छन्न होइछन्ति असमय रे अंधकार माड़ी आसीछि मोर आशंका पर्वत राज्य रे कोनोसी बड़ विपर्जय होबा को जाउछि ए पर्वत राज्यर सुरक्षार भार आपण नियंतु प्रभु प्रिय पर्वत राज्य मो प्रियजनकर सुरक्षार दायित्व मु आपणंकु अर्पण करुछि। तथास्तु पार्वती तुमर प्रियजन मोर भी प्रिय सेमानकु रक्षा करिबा दायित्व मु ही ग्रहण करुछि। तुमे निश्चिंत हुओ प्रिय। देवराज मु सो कर्णरे संवाद श्रवण करिछि तारकासुर महादेवंकर विवाह यात्रा समय ही आम आक्रमण करिबो। इंद्रदेव स्वयं देवादिदेव महादेवंकर विवाह यात्रा काल बाधा देवा उद्देश्य रे तारकासुर जदि कोनोसी प्रकार दुस्साहसिकता प्रदर्शन करे ताहले से ही मुहूर्त रे ध्वंस होई जइबो। देवादिदेव महेश्वर कदापि तारकासुर को बद्ध करिवेनी कारण ए विषय से ज्ञात जे ता द्वारा ब्रह्मा बरर असम्मान हम तासह युद्ध हेले विवाह कार्य बाधा उत्पन्न हो पारे से उद्देश्य ही तारकासुर देवता मानक ऊपर आक्रमण करिबो। ताहले ताहले उपाय कौन देवराज? उपाय उपाय गोटी महर्षि दधीचिंकर आश्रम त्याग न करिबा। एते काल धरी जो विवाहर प्रतीक्षार आमे थिलु सेही विवाहरे आमे केही भी योगदान करि परिबा नै। इंद्रदेव ताहले तो यही विषय रे महेश्वरन को जेते शीघ्र संभव ज्ञान तो करैबा उचित ना भरसी ना देवाधिदेव महेश्वर एवं पर्वत राजकन्या बह जेपरी कौन बाधा उत्पन्न न हुए से आम सचेतन रहा उचित। सी भोलानाथ बर्तमान सी बह बंधन में मनोनिवेश किंतु कौन मुहूर्त हृदय जो परिवर्तन होमको अजना तेणु ए समय देवता मान दुखर कथा न जनवा ही श्रेय। राज्य प्रथमे कन्यार बहुत होची महाराणी ये तो बहुत बड़ा आनंदर समय आपण समस्ते ए विवाह अनुष्ठान को आसी थिबारु मो अतिव आनंदित। आज हम पार्वती बाहाघर आमे माने न आसी कोन रही परथांतु ता छडा आमे समस्ते पार्वती पति को दर्शन करिबा लागि इच्छुक। महाराणी कन्यार रूप तो देखुची आहुरी सुंदर हो जाइए जामाता रूप को देखी बोधे विवाह पे सम्मत हो। माता व्यवहार जना पड़ी एबे मध्य से महादेव को हृदय रे ग्रहण करि पारि नांती। जानिनी माता महींकर आगमन हेले कौन हेबो। प्रणाम हिमालय राज। राजमाता श्रद्धा राजभवन रे पहुंची गले। माता माता आसी छंती। पुत्री थाओ कल्याण हो। प्रणाम राजमाता विवाह अवसर रे आपण को स्वागत जनाउछि। पार्वती पुत्री पुत्री अरे थाओ कल्याण हो तुम बाहाघर संवाद पाई मुझे केते आनंदित होईची वर्णन भी करि पारुनी। माता मही आपण ए भवन को आसी छंती कहार कोनो सी विषय रे चिंता रहिबनी ठीक ना माता। पर्वतेश्वर पात्र आमर कन्या को सुखी करि परिबा त पर्वतेश्वर पात्र आमर कन्या को सुखी करि परिबा त ए एकमात्र कन्या को विवाह दबार सौभाग्य पाइचंती आपण। कन्या को सुपात्र रे अर्पण करिबा भाग्य रे थिले मिले। सुनिची पार्वती रो भाभीपति होचंती श्मशानवासी जोगी पुरुष। राजमाता सी देवाधिदेव तांकर योग्यता विषय में एभली प्रश्न करिवार अधिकार मोर अंतत नाही। कन्या मेनका कौन सी बेले पर्वतराजंकर वास्तव बुद्धि उपर मोर आस्था नथिला नहेले तुमर समस्त कन्या को राजभवन त्याग करने को पड़ी न था। कनिष्ठा कन्यार बह से ज्येष्ठा माने उपस्थित नहांती गोटे मात्र कन्यार बह सोचरहीन श्मशानवासी जोगी सहित बह कर अथड़ जल में निक्षेप करूँ तो महादेव कौन सी नीति नियम आचार विधि किसी भी पालन करती विवाह विधि पूर्वक हम तो मातामही आपण थकी जाइथिबे भ्राता समस्त को अतिथि गृह को नहीं जाओ मु कथा दूची मातामही ए विवाह विधि अनुसार ही हेब आ तुमर ये पौत्री से स्वजनहीन जोगी पुरुष को संसारी गृही करी गढ़ ए परिवार रे तुम ऊपर समस्त अपेक्षा मोर अधिक आस्था अच्छी पार्वती आ छड़ा तुम्हें जिते बड़े कथा दौच ताहले समस्त कार्य सुसंपन्न हम पात्र जिते बड़े स्थिर हो सारी तेबे से कथा आलोचन अजथा वक्तव्यर कौन से अर्थ ही नहीं विधिपूर्वक विवाह अनुष्ठित हेले तुमर ज्येष्ठा माने योगदान करवा उचित तेबे ए विषय रे मते तमे की साहाय्य करि परिबो पारिबे मातामही ए विषय रे त्रिजगत रे जणे मात्र मते साहाय्य करि परिबे मु तांकरी निकट को जीवी अंतर रे बहुदिन पूर्वर आपण को स्वामी रूप से ग्रहण कर सारी पत्नी जितेबले कौन से समस्या रे पड़े सेतेबले सी तार स्वामी शरणापन्न हुए आपण तो जानते प्रभु ज्येष्ठा गंगा सह मोर समस्त अग्रजा माने बहु काल पूर्वर ए भवन त्याग कर सृष्टिर कल्याण निमंते नदी रूप धारण करी से माने प्रवाहित प्रभु मो पिता मातांकर एकांत इच्छा ए विवाह रे से माने समस्ते योगदान करंतु पति रूप रे मोर ए इच्छा आपण रखिबेनी प्रभु स्मरण करिले महादेव। हाँ गंगा तुम्हें निश्चय अवगत जे पार्वती संगे मो विवाह आसन्न संवाद पाइछि गंगा पार्वती सतींकर आउ एक रूप अशुभ शक्तिर विनाश करने बारंबार आद्य शक्ति और परम पुरुषंकर मिलन हेब ही पार्वती आद्य शक्ति स्वरूप गंगा पार्वती एकांत इच्छा जे ज्येष्ठा भगिनी माने ए विवाह रे योगदान करंतु हर पार्वती बह एक महामिलन तुम्हें मध्य मिलन में योगदान कर गंगा ए तुम पितामाता संतुष्ट हेबे। आपणकर आदेश शिरोधार्य देव मु समस्त नदी को नहीं आपणकर एवं पार्वती बह योगदान करी पितामाता को संतुष्ट करी। हर पार्वती महामिलन सत्तरे महामिलन हेउ देव। सत्तरे महामिलन हेउ।